गुड आफ्टरनून. चलो सारे बच्चे आ गए इसलिए मैं वेट कर रही. आई वाज वेटिंग फॉर द क्लास. ओके. अभी कुछ देर पहले ही मतलब मैंने दोबारा क्वेश्चन आंसर सेंड किया है आपको. शायद मैं कल सिर्फ दो ग्रुप में भेज पर आई थी है ना, तो मैंने आज दोबारा सेंड कर दिया है. तीन पांचों ग्रुप है, फाइव के फोर के ऑल सेक्शंस में मैंने सेंड किया है आपके क्वेश्चन आंसर्स को. सो जिन्होंने भी अभी तक वेट किया है मेरे क्वेश्चन आंसर्स के आने का वो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, और जिन लोगों ने लिख लिया था पहले ही वो एक बार मैच कर लीजिए, मैच द क्वेश्चन आंसर्स है ना, ताकि इसके बाद कोई गड़बड़ी ना हो. ठीक है, चल विल डू द रिवीजन. ओके, लेसन वन. अनम्यूट करूं? अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह अनम्यूट कीजिए. अनुष्का सिंह ने अनम्यूट किया? नहीं, करो अनम्यूट. अनम्यूट करो. क्या है, बैठ के देख रही हो? डबल क्लिक, इतने दिन से क्लास कर रही हो, डबल क्लिक करने से फिर म्यूट हो जाता है. तुम लोग को हर चीज कितनी बार बोलना पड़ता है. चलो देखो, यस मैम, और दो चार बार क्लिक कर दो बेटा. कितनी बार बोलते हैं कि दो बार क्लिक करोगे फिर म्यूट हो जाएगा. इतने दिनों से क्लासेस कर रही हो. व्हाट इज डाइजेशन? लेसन वन है, कल भी मैंने कहा था आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, और यही आंसर लेसन आ भी रहे हैं. व्हाट इज डाइजेशन? जल्दी बोलो अनुष्का. मैम नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है? क्यों, क्या कर रहे थे कल? आपको क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है ना आपके पास? मैम कैन आई सी? पीयूष म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. आपके क्लास में और भी बच्चे हैं बच्चा, सबको पूछने का मौका दो. अगर आप लोग इससे बीच में बोलेंगे तो बाकी लोग कैसे बोलेंगे? अनुष्का सिंह बोलो, आपने क्यों नहीं बात किया? अनुष्का मैम, मैम आई एम न्यू स्टूडेंट एंड आई एम नॉट राइट चैप्टर वन चैप्टर टू. बट आई हैड सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स यस्टरडे आल्सो एंड टुडे आल्सो. आज भी क्वेश्चन आंसर आया है. कृति, हैव यू सीन द क्वेश्चन आंसर्स? कृति, यस मैम, यस्टरडे इज वाज सेंट एंड टुडे आल्सो आई हैड सेंड द क्वेश्चन आंसर्स. यस मैम. अनुष्का क्या करते हैं बच्चे, क्यों नहीं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर रहे हैं? कल भी मैंने बताया था ना कि आपके लेसन वन आ रहे हैं सर. अभी लिखना शुरू कीजिए, लर्न लर्न कीजिए. कृति बोलो, व्हाट इज डाइजेशन? मैम द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ फूड ब्रोकन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेस्टेशन. अगेन डाइजेस्टेशन? डाइजेशन, यस. The process by which the complex material of food is broken into its simpler form is called digestion. Kriti ko maine kal bhi bataya tha ki tumhare ko hum kriti bolenge to kaisa lagega. To digestion ko digestion, naya word bana deti hai ladki. No ma'am, digestion. Tumne digestion bola na abhi? Yes ma'am, digestion. The okay. process by which. Ho gaya. Mute karo. अर्पिता राज, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. कीर्ति म्यूट करो अपने आपको. यस मैम. अर्पिता, नेम द टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन योर माउथ एंड राइट इट्स फंक्शन. टेल अबाउट द फंक्शंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर फ्लैट टीथ, इंसिजर्स, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग पर्पस, पॉइंटेड टीथ, कैनीज, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग पर्पस, ब्रॉड एंड ग्रूव teeth, molars and premolars, they are used for chewing and grinding. Good. Swamya Shraddha, unmute karo. Kirti, maine aapko mute karne ke liye kaha tha shayad. Okay, Yashashwini, why is it important to chew the food properly?
It is important to chew the food properly for proper digestion. Okay, Satvik Singh, why is washing of fruits and vegetables important for us? Ma'am, because we don't wash food. We never start our sentence with because, Satvik. Yes, ma'am. Ma'am, because... Again, because... Never begin a sentence with because. Because is a connector. है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, तो आगे का सेंटेंस क्या होगा? वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैम, वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे कॉज जर्म्स एंड आई विल ईट जर्म दे कॉज जर्म्स इन आवर बॉडी. सात्विक, वेरी सॉरी बट यू आर नॉट लर्निंग इट ऑल. Very sorry to say, you're not at all studying in the class. Very first lesson and still not learned the question answers. Bahut galat baat hai saath. You are one of the students, those who are never absent. Ek aisa bachcha jo kabhi absent nahi hota. Anushka Ashi, kya kar rahi ho mobile ke saath? You're always there in the class, but what is the use if you don't learn the question answers? Galat baat. Okay. Aradhya Shravan. Why is washing of fruits and vegetables important for us? Satvik, mute kar apna. Main fir se bolega. Why is washing of fruits and vegetables important for us? It is important to fruit and vegetable wash. आदर्श श्रवण, मुझे ये बता दो, ये पहला लेसन है और हम रिवीजन कर रहे हैं और ये लेसन आने वाला है, तो आपने याद किया है घर में? यस मैम. नहीं किया, झूठ नहीं बोलो. मैम, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज unwashed fruit and vegetable can carry germs of diseases which can cause Smriti Kumari bolo why is washing of fruits and vegetables important for us? Smriti, you are unmuted. Give the answer. Yes, ma'am. Bolo, answer do. Why is washing of fruits and vegetables important for us? बोलिए. क्या हुआ? चलो, शुभांगी बोलो. बोलिए, अनम्यूट करो. अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो. मैम, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज समटाइम्स दे कैरी जर्म्स एंड बैक्टीरिया. So what will happen? कल भी मैंने तुम यहीं पे रुकी थी, कल भी मैंने तुमको ये जवाब दिया, पूछा था. What will happen for that? Consume unwashed may lead to stomach ailment like stomach ailment. Stomach ailment.
stomach ailment and ailment like dehydration, food poisoning. Okay. Who will answer this question correctly? कौन मुझे correctly इसका जवाब देगा? Aradhya Vaibhav. Vegetables are important. Aradhya Vaibhav, Shubhangi, Shreyas, तुमने जवाब दे दिया है. Yes, ma'am. Washing of fruits and vegetables are important for us because they sometimes carry germs and may cause stomach ailments like dehydration and food poisoning. Okay, इसमें कुछ एक very important missing है. कौन पकड़ा होगा? Arnav Gupta, can you give this answer? दक्ष सीधा बैठो. Arnav Gupta. Why is washing of fruits and vegetables important for us? Ma'am, washing of fruits and vegetables are important for us because they sometimes carry germs and dirt. If we eat those vegetable and fruit carry germs, we can cause bacteria like food poisoning. Okay, washing of fruits and vegetables are important for us because it may cause some diseases, it may carry some germs, and if consumed unwashed, may cause diseases like stomach ailment, like loose motion and diarrhea. Sahi hai? Yes, ma'am. Siddhantra. Yes, ma'am. Right answer. Yes, ma'am. Thank you, sir and madams. Maine answer sahi diya hai. Siddhantra. Yes, ma'am. Sheena's mother often tell her not to eat too many sweets and chocolates. Why does she say so? Sheena's mother tell her to not eat too many chocolates and sweets because it can be harm her. Achha, aisa hua hai. Aisa bola gaya tha. Swamya Shraddha. शुभांगी अपने को म्यूट करो. दक्षानंद जवाब दो. तू दक्षानंद सो के उठो, नींद में सो रहे हो क्या? यू आर सिटिंग इन द क्लास और स्लीपिंग इन द क्लास. अनम्यूट करो दक्ष. शुभांगी म्यूट करो अपने आप को. ओके मैम. दक्ष अनम्यूट करो. Sheena's mother often tell her not to eat too many sweets and chocolates. Why? Why do you think she says so? Krishif, iska jawab do. Tumhe question answers mil gaya hai na? Krishif, unmute karo pehle na. Tum log unmute kyun nahi karte ho sahi se? Unmute karo. Krishif, haan ji. Yes, ma'am. Bolo. Answer mil gaya? No, ma'am. Yes, ma'am. आ गया है WhatsApp पे सारा. हाँ हाँ हाँ. अभी तो बोला no, ma'am. अभी बोलता है yes, ma'am. कौन सा question ले no, ma'am? कौन सा question ले yes, ma'am? Ma'am आ गया है. आ गया ma'am, है. Chapter 1 का. आ गया है. Yes, ma'am. अच्छा, हमें तो पता नहीं था कि आ गया है. हमने आ गया है तो नहीं बोला. कैसे हिंदी बोलते? वेरी बैड. आ गया है, पहुंच गया व्हाट्सएप में. आ गया है. और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है? मैम चैप्टर 1 का और 2 का. 1 का और 2 का ये कौन सा जवाब हुआ तेरे का? आंसर बताओ. शीनाज मदर ऑफन टेल हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. व्हाई डू यू थिंक शी सेज सो? बोलो. इसका आंसर तुझे देना पड़ेगा ना. जवाब दो. शीना की मम्मी क्यों मना करती है उसे बहुत सारे स्वीट चॉकलेट्स खाने के लिए? मैम रिपीट योर क्वेश्चन. ओके रिपीट योर आंसर आल्सो. शीनाज मदर ऑफन टेल हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. शीना की मम्मी उसे बहुत सारे स्वीट्स एंड चॉकलेट्स खाने के लिए मना करती है. क्यों मना करती है? व्हाई डू यू थिंक शी सो?
तो वो क्यों लगता है कि वो मना क्यों करती होगी? मैम कैबिटीज के लिए, टीथ के लिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो तुम ऐसे लिखना है मैम कैविटीज के लिए, और उसमें तुमको नंबर भी पूरा मिल जाना है। हंस रहे हो, हंस रहे हो ना, तो फिर क्या होना है, कैविटीज हो ना हो तुम्हारे दांत ऐसे ही टूट जाएगा, गंदी झूठे बात के हंस रहे हो। आंसर ऐसे दिया जाता है, आंसर ऐसे दिया जाता है, ऐसे ही लर्न किया आपने, वेरी बैड। स्वामी श्रद्धा बोलो। मैम मैं आज आया क्वेश्चन आंसर। यस मैम बोलो। शी सेज सो बिकॉज इफ द शुगर एंड स्वीट इज लेफ्ट ऑन टीथ फॉर लॉन्ग मे कॉज टीथ डिके। स्वामी श्रद्धा यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गुड, थैंक यू। यस थैंक यू मैम। सो बिकॉज दिस विल कॉज टूथ डिके एंड if the sugar or salt chocolate is left on the teeth for a long time it may cause decay. Next, Jessica unmute karo aur video on karo. Tum log ka ye video nahi on karne ka chakkar bada kharab hai. Video on karo beta. Yes ma'am. अच्छा कैसे बैठे हो, सो क्लमजिली, ना हेयर प्रॉपरली है, कैसे कैसे बैठे हैं? ऐसे ही थोड़ी बैठते, सीधा बैठिए, सिट स्ट्रेट। ओके नाउ यू गिव द आंसर, टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। मैम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीथ, फर्स्ट फ्लैट टीथ, In scissors, it help to cutting our food. Canines, it help to tear our food. And molars and premolars, it help to make soft our food. Grinding our teeth, grinding and mixing up. Okay, Naveen Kumar, unmute karo. Naveen Kumar, unmute karo. Naveen Kumar, video bhi on karo, unmute bhi karo. Bahut bachcho ka video on nahi hai, main sabko class se nikal dungi fir. I'll remove you. Naveen Kumar. Yes, ma'am. Tumhara video kyun nahi on hota hai? Haan? Aadhe shavan, mute karo apne aap ko. आदेश शवन म्यूट कर अपने आपको। नवीन कुमार आदेश शवन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, हाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो, पढ़ने के वक्त तुम्हारी ध्यान इधर उधर रहता है, जवाब सही नहीं दे पा रहे हो और पढ़ाई की तुम्हें इधर उधर देख रहे हो। चलो नवीन म्यूट करो अपने आप, अनम्यूट करो। नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड एंटर्स इन द स्टमक, name the organ through which food enters into the stomach. किसे दिखा रहे हो आराध्य, किसे दिखा रहे हो? हाँ बोलो नवीन। organ through which food enters into the stomach. Okay, कुमारी सौम्या बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए कुमारी सौम्या। अभिनव राज, बोलो कुमारी सौम्या, अनम्यूट करो। वेरी गुड, कुछ बच्चे क्लास में हैं बट सो रहे हैं, ऑन करके कहीं और चले गए हैं। अर्णव गुप्ता गिव दिस आंसर, नेम द ऑर्गन। यस मैम। नेम द ऑर्गन थ्रू व्हिच फूड एंटर्स इन द स्टमक, फूड एंटर इनटू द स्टमक थ्रू फूड पाइप। ओके नेक्स्ट, आम्या सिंह अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Five things that should be taken care of while eating food. Amya. Five things that should be taken care of while eating food. Yes, ma'am.
बोलो बेटा, तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो दिखा रहे हैं यहाँ पे. आमियाज नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो. बोलो फाइव थिंग्स दैट शुड बी टेकन. मैम रिपीट क्वेश्चन अगेन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. माय वॉइस इज क्लियर बेटा, बट योर नेटवर्क इज लो. क्वेश्चन इज फाइव थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल ईटिंग फूड. मैम वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग एंड we should chew the food properly for the proper digestion. And ma'am, we should मैंने म्यूट कर लिया अपने आप को. वेरी गुड. दिस इज अ न्यू. मैम आई विल से नो. दिस इज न्यू थिंग शी इज डूइंग. मयंक करण गिव दिस आंसर. मयंक मैम बोल. Five things that you should do while taking care of, five things to be taken care of while eating food. Bolu. We should wash our hand before eating. Good. We should chew the food properly. Wash our hand before eating. We should eat. To chew our food properly before swallowing. One should be drink at least 8 to 10 glasses of milk day, water daily. One should be eat fresh fruits and vegetable. One should be not speak while eating. मतलब क्या तुम्हें इस आवाज आ रही है? पलक unmute करो. Yes ma'am. What happens to the food when it enters your stomach? Ma'am, what? What happens to the food when it enters into the stomach? When the food enters into the stomach, it's... क्या कर रही हो आप? अलग क्या जवाब दे रही हो? बोलो. एंड मिक्स टुगेदर. अनन्या गिव द आंसर. डाइजेस्ट. मैम व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक इट स्टेज देयर फॉर 3 to 4 आवर्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टेड जूसेस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक. द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. ओके राइट. अभिषेक श्रीवास्तव अनम्यूट करो. अभिषेक श्रीवास्तव. अभिषेक श्रीवास्तव अनम्यूट करो. ओके okay. उनको अनम्यूट करने बोला तो वो निकल गए क्लास से. रुद्र प्रकाश अनम्यूट करो. अर्णव गुप्ता तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट करो अपने आप को. बहुत देर से बोल रही हूँ तुमको. म्यूट करो अर्णव. हाँ रुद्र बोलो. Write one difference between milk teeth and permanent teeth. My milk teeth is babies upon 6 year old, his teeth is temporary teeth, are called milk teeth. But after a year, he sets of teeth are called permanent teeth. क्या तुम बोल गए? कुछ समझ में नहीं आया. झुमझुम के बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया. कुछ भी नहीं आया. अनुष्का आशी आपको कुछ समझ में आया? बताओ. अनुष्का आशी नहीं, वो नहीं अनम्यूट करेंगी. शिवम गुप्ता अनम्यूट करो. शिवम. अभिषेक श्रीवास्तव अनम्यूट हुए हैं, जल्दी जवाब दीजिए. व्हाट इज द बेबी? बोलो. ए बेबी इज बोर्न विथ ऑन टीथ एंड द बेबी इज अबाउट 6 मंथ्स इज अबाउट. पहले तो अपना कैमरा सही करो. आपके सिर्फ आपको पंखा दिख रहा है, मुझे आपके पंखे से नहीं बात करनी है. आई नीड टू टॉक टू यू.
सो कीप योर मोबाइल इन सच अ वे दैट आई कैन सी यू. और ये कौन सा तरीका है, जस्ट लुक एट योर फेस, सारा बाल चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर है, आंख के ऊपर है. हाउ डू आई सी योर फेस? मोबाइल को पीछे करो और मोबाइल को दूर रखिए. अब बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ? मिल्क टीथ आर वीक. What is it? Permanent teeth between the age of 6 and 12. Abhishek, आप देख के पढ़ रहे हैं पहली बात. दूसरी बात, आपको बोल रही हूँ मोबाइल को एक जगह रखने, वो आप रख नहीं पा रहे. क्यों? मोबाइल को हाथ में रखना बहुत जरूरी है, ऐसे पढ़ाई होती है. थोड़ा दूर में रखिए ताकि आपको भी बोलने में सुविधा हो. एक हाथ में मोबाइल रख के पढ़ाई नहीं होती बेटा. चलिए बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ अगेन? सी, हाथ रहा वहां से, हाथ रहिए मोबाइल से. चलिए बोलिए, तुमने अपने आप को म्यूट कर लिया है. एक क्वेश्चन के लिए मुझे तुम्हें को 2 मिनट से 3 मिनट देना पड़ रहा है. देखो अभी तक आंसर शुरू नहीं किया, अभी तक आपका मोबाइल ही ठीक करवा रही हूँ. ये कौन सा आंसर हुआ? ऐसा कोई बताया गया है? मिल्क टीथ वॉज वीक एंड परमानेंट टीथ स्ट्रॉन्ग. किसको कहते हैं? पहले मैंने फिर से कहा कि मैम मोबाइल को सही कीजिए, फिर आप मोबाइल लेके खेल रहे हैं, मोबाइल आपका इधर उधर जा रहा है. किसी भी बच्चे का आपने देखा ऐसा है? मेरा खुद का है. अभिषेक, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है. मयंकरन, गिव दिस आंसर. बोलिए, आंसर दीजिए. यस मैम. बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ Difference between milk teeth and permanent teeth are milk teeth. These teeth appear when the baby is about 6 months old. Permanent teeth. Between the age of 6 to 12, milk teeth fall one by one and new teeth grow are called permanent teeth. Can you give one other difference between them? Yes, ma'am. Milk teeth is in 20 in number. Permanent teeth are 32 in number. When a baby grows, or when a baby is about 6 months old, new teeth starts coming into their mouth. They are said to the milk teeth. And when the baby is about 6 to 8 years to 12 years of old, these milk teeth fall one by one, and they have been taking place by the permanent teeth. Permanent teeth are 32 in numbers, where milk teeth are 20 in numbers. Okay, Abhishek Shivasav. मुझे फिर से तुम्हें तुमसे सुनना है, अनम्यूट करो. शीनाज मदर ऑफन टेल हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. अभिषेक, अपने आप को अनम्यूट करें. व्हाई डू यू थिंक शी सेज सो? शी सेज सो बिकॉज़ द स्वीट एंड चॉकलेट्स मेक कैविटीज mouth. फिर से बोलो. She says so because sweets and chocolates make cavity in mouth. ऐसा तो नहीं है फिर तो. अगर ऐसा ही होता तो कोई भी नहीं खाता. ऐसा तो नहीं है कि sweets and chocolates से cavities होती है. अगर वो sweets and chocolates को हम खाने के बाद प्रॉपर रिंस ना करें माउथ को, इसलिए कहा जाता है कि इफ देर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग. सी अगेन, मेरे इतने बोलने के बावजूद भी अभिषेक अपना मोबाइल कहीं रखा नहीं है, उसके हाथ में ही है, और कभी वो नजदीक लेके आ रहा है, कभी वो दूर लेके जा रहा है. बच्चे, इफ यू डोंट लिसन टू योर टीचर्स ना, हाउ वुड यू लिसन टू अदर्स? आपकी क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं अभिषेक क्लास कॉपी में? यस मैम.
तो कब का लिखा हुआ है उसको एक बार रिवाइज किया, कल भी आपसे बोला गया था याद करने के लिए। आपको पता था ना कि रिवीजन होगा लेसन वन का ही, पता था ना? हाँ या ना बोलो, कल का क्लास किए थे ना? यस कल बोला, वो मैंने बताया था ना लेसन वन ही पूछूंगी बेटा। हाँ या ना तो बोल सकते हो ना बच्चे। टीचर्स एंड यू पीपल ऑल्सो आर पेइंग लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं हम टीचर्स भी, आपके पेरेंट्स भी, आप भी। लेकिन अगर आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो दैट विल बी यूजलेस, वो यूजलेस हो जाएगा। आपको आपके पेरेंट्स ने मोबाइल दिए हैं याद करने के लिए, क्लासेस करने के लिए। आपके क्लासेस ही खत्म हो जाने के बाद आप प्लीज यू शो योर एफर्ट, आप पढ़ाई तो करें। कल मेरा कोई क्लास नहीं आपके साथ है और मंडे संडे आपके टेस्ट है। संडे का टेस्ट में आपके यही लेसन आने वाले हैं, लेसन वन, ओनली वन। दैट इज वाई लेसन वन दिया आप लोग को, ताकि एक लेसन आपके याद हो जाए तो हम दूसरे लेसन में जाएंगे। लेसन वन कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का सारे बच्चे? Yes, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है अभी? नो मैम। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो ना, बिकॉज़ देम लास्ट मिनट चल रहा है, एनी टाइम ये क्लास खत्म हो सकता है।